तो भाई और बहनों सभी लोगों का स्वागत है आज के एक नए वीडियो के अंदर। मेरा नाम है अजय और आप लोग देख रहे हो टोटम यूट्यूब चैनल। और आज आप लोग खेलने वाले हैं वापस से एक और बार GTA 5। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा आज से 6 या 7 महीने पहले हमने एक GTA का वीडियो डाला था और उस वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा अविश्वसनीय सपोर्ट मिलने के बाद अब उस वीडियो के अंदर हमने किया था क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने उस वीडियो के अंदर डीजे आलोक ने माइकल से लेमोजिन बाय की थी और वही लेमोजिन जो क्रिमिनल लोगों ने चुरा लिए। अब यहाँ पे सीन ये हुआ है कि हमें वापस से वो गाड़ी चाहिए, मतलब हमारी जो कार है लिमोजिन वो हमें वापस चाहिए और वो लेने के लिए हमें जाना होगा। भाई पूरे कपड़े पहन के आ जाओ, पहले कपड़े पूरे पहन के आओ, पक चलो यार ये फालतूगिरी छोड़ो। तो यहाँ पे मेन चीज़ वही है कि हमें अपना वो लेने जाना है, लिमोजिन लेने जाना है। वो लिमोजिन लेने के लिए हमें चाहिए माइकल का सपोर्ट। और यहाँ पे लड़की क्या कर रही है, कपड़े पूरे नहीं पहनने लगते, छोड़ो यार। अरे एक मिनट रुको, मैन विल बी मैन। ओके हेलो हेलो बाबू हेलो। ओ अच्छा अपन मुद्दे से भटक रहे हैं। तो मेन चीज़ वही है गाइस, हम डीजे आलोक है, ये डीजे आलोक देख सकते हो आप लोग, ये अपना लिमोजिन लेने जाने वाला है आज क्रिमिनल बंडलों से। मतलब क्रिमिनल बंडल पहन के कुछ लोग आए थे उनसे। अब वो लोग कौन है, कौन सी टिकड़ी है, लॉस सैंटोस में भाई बहुत सारे क्राइम होते रहते हैं, आए दिन हर कोई किसी को पेल के चला जाता है। और यहाँ पे देख लो लाइफ गार्ड वाली गाड़ी भी है, तो इससे तुम लोग पता लगा सकते हो कितनी फाइटें होती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे से बहुत सारे लोग ना, अभी डीजे आलोक का घर कैसा था वो भी भूल गए होंगे। तो उन लोगों के लिए जानकारी के लिए मैं अपना घर भी दिखा देता हूँ, मतलब डीजे आलोक का जो रियल लाइफ घर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और इस घर के अंदर भाई इतनी सुविधाएं हैं कि भाई क्या ही बोलूँ। ये कपड़े पहने, अरे यार कपड़े लोग कम पहनते हैं यहाँ पे बीच पे आके, कोई ना अपना घर ही इधर है तो क्या ही बोले। अब मैं सोच रहा हूँ ना डीजे आलोक के लिए अपन को नया घर भी बाई कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह पर अपन रह गए तो भाई बिना कपड़े के भाई क्या ही बोले यार, चलो जाने दो। अभी ऊपर चलते हैं। तो ये है डीजे आलोक का घर, आप लोग देख सकते हो। आई थिंक मैंने नीचे का कमरा तुम्हें नहीं दिखाया। ओके मैं कमरा तुम्हें दिखा देता हूँ नीचे वाला। ये है टेबल जहाँ पे सोफे के साथ में बैठ के बाहर की चीज़ें देखता हूँ, क्या बढ़िया बढ़िया लड़कियाँ जा, ओ सॉरी। तो यहाँ पे अपन एक कर लेते हैं बात, ये है बाथरूम जहाँ पे सामने अरीसा लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। मैं थोड़ा क्लोज, ये देखो आ गया कि नहीं। तो यहाँ पे कांच में अपन लोग देख के अपना मुँह बू सब साफ सफाई वगैरह करना रहा तो अपन लोग साफ सफाई कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे टॉयलेट है, आपको अगर आपका पेट खराब होता है तो इधर बैठ के एकदम भाई साफ तगड़े तरीके से अपनी पेट की भी सफाई कर सकते हो। एंड उसके अलावा यहाँ पे एक और दरवाजा है जो पार्किंग की ओर जाता है, यहाँ से हम लोग पार्किंग में जा सकते हैं। यहाँ पे अपनी 2-3 गाड़ियाँ रहती है, बट अभी के लिए मैंने ना गाड़ी यहाँ पे पार्क नहीं की है क्योंकि क्रिमिनल कपड़े वाले जो गुंडे हैं वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो ये लॉस सैंटोस के अंदर जो गुंडे है वो इतने नेक्स्ट लेवल वाले है कि घर के अंदर से आदमी को भी चुरा ले। मेरे को अभी तक नहीं चुरा है बट वो चुरा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत डेंजरस चीज़ें होती रहती है, तो वैसे हमें सेफ रहना चाहिए। और हमारी लिमोजिन चोरी हो चुकी है बट माइकल से हमने बात की है, माइकल ने बोला है कि वो हमें अपना लिमोजिन दिलाएगा, तो अब देखते क्या होता है। ये मछली घर है, यहाँ पे मछलियाँ तैरती रहती है, तो ये अपना मछली घर हो गया। क्योंकि अब देखो डीजे आलोक बहुत ही एक अच्छा नेक दिल इंसान है, तो एक मछली घर भी रखा हुआ है, खाना पीना टाइम पे वगैरह देता रहता है। और उसके अलावा अरे यार यहाँ पे जगह नहीं जाने देती है हमें आगे की तरफ। ओके तो यहाँ पे अपन लोग आ जाते हैं, यहाँ से अपन लोग यहाँ पे बैठते हैं ना इधर। ये देखो ये 3 सीट है यहाँ पे, हम लोग रात को जब मैं फ्रैंकलिन को कॉल करता हूँ, माइकल को कॉल करता हूँ, ड्राइवर को कॉल करता हूँ, तब इधर हम लोग बैठते हैं और एकदम बेहतरीन मीटिंग बिठाते हैं। दारू चकना सब लेके आते, वो लोग हुक्का वुक्का सब पार्टी होती है बढ़िया तरीके से। एंड उसके अलावा यहाँ से ना बहुत समुद्र किनारे वाली लड़कियाँ, नहीं सॉरी लड़कियाँ, लड़के भी दिखते रहते हैं। ओके तो देखो सामने लड़के वगैरह रहे, तो यह समुद्र किनारे घर लेने का ही मकसद था। करीबन मेरे को ये घर मकान $33 या $34 million का पड़ा था, हालांकि बहुत बड़ी प्राइस मैंने दी है, मतलब जरूरत से ज्यादा ही पैसे दिए, बट अब मकान भी तो ऐसा है ना देखो यार। और यहाँ पे कई बार हम लोग दिन में आते हैं ना, तो ये है हमारा वो अड्डा जहाँ पे मैं ट्रेवर फिर माइकल फ्रैंकलिन हम सब लोग इधर बैठते हैं, चखना बकना पीते हैं, यहाँ से भी सब चीजें दिखती है, यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू मिलता है। तो अभी के लिए अपन लोग जाने वाले हैं माइकल के पास क्योंकि हमें चाहिए हमारा लिमोजिन वापस। और माइकल ही एक लौटा ऐसा इंसान है जो हमारी हेल्प कर सकता है वो लिमोजिन वापस लाने में। और ये स्विमिंग पूल है यहाँ पे, कभी कभी मैं नहा लेता हूँ, कभी कभी मतलब डेली नहीं। देखो पूरे कपड़े पहन के अंदर घुस गया, रुको रे मेरे को बाहर निकलने दो। और सबसे बढ़िया बात ये स्विमिंग पूल की ये है कि ये स्विमिंग पूल बहुत बढ़िया है, और उससे भी बढ़िया बात है कि ये जो डीजे आलोक के कपड़े है वो है वाटरप्रूफ, इसके ऊपर पानी लगता ही नहीं। देखो रे चिमकांडी गिरी है नहीं। ओके चलो बाय द वे भाई लोग जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक भी कर देना, देखते इस पार्ट के अंदर कितने लाइक आते हैं। आई थिंक ये वाला पार्ट बहुत ओपी होने वाला है क्योंकि हम लोग वापस से अपनी लिमोजिन लेने जा रहे हैं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा देना। अब आ जाओ लिमोजिन, अब अपन लोग घर पे लेके आते हैं, फटाफट जाना होगा, दौड़ के जाएंगे अपनी गाड़ी किधर है, माइकल के घर जाएगी, उसके बाद अपन लोग लिमोजिन लेने जाएंगे। अगर मैंने सही प्रनाउंस नहीं किया तो आई एम सॉरी भाई लोग। अब इधर से नीचे ये रही सीढ़िया, ओ देखो ये वाला देखा फोटो, ये कौन है मेरे को मत पूछना। ओके ये जाने दो यार, ये मेरी एक्स है, मतलब डीजे आलोक की एक्स है मेरी।
अब यहाँ से हम लोग निकलने वाले, इधर से भी निकल सकते, देखो ये भी एक घर का रास्ता है और ये फुटबॉल का बोल है, बट इसको छोड़ दो, अभी अपन लोग बाहर की साइड जाते। ए दरवाजे ओपन हो जा रहे, अपने घर के ऊपर से ही कूदना होगा क्या? या भाई दरवाजे ओपन हो जा यार, क्या बोलूँ यार, ये देखो सेंसर खत्म हो गया रे, सेंसर ये डीजे आलोक का घर यार, क्या ही बोलूँ यार। भाई लोग देखो सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, ये वाला जो घर है ना मेरा, थोड़ा सेंसर कभी कभी काम करना बंद कर देता है क्योंकि अभी बहुत पुराना हो गया ना घर, तो इस वजह से अब पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। बाकी ये लड़की सेल्फी ले रही है मेरे साथ, लगी सेल्फी में डीजे आलोक, फ्री फायर का फेवरेट कैरेक्टर, मेरी एक समय पे बहुत डिमांड थी बट एक प्रोनो ब्रोनो आने के बाद आजकल मेरा कोई वैल्यू नहीं बचा, बट तू मेरे साथ एक सेल्फी ले सकती है? अरे डार्लिंग सेल्फी ले लो प्लीज, डार्लिंग डार्लिंग सेल्फी प्लीज, डार्लिंग मोबाइल ऊपर करो, सेल्फी लो प्लीज डार्लिंग, ओ माय गॉड डार्लिंग यू आर वेरी वेरी क्यूट डार्लिंग प्लीज डार्लिंग, एक बुक्का मारूं तुमको? ये ले चिमकांडी औरत, चलो आ जाओ। अभी अपन लोग माइकल के घर पे जाते, अपना गाड़ी किधर है रे? ओ मेरा गाड़ी चोरी हो गया वापस से, मेरा वो लाल वाला गाड़ी किधर गया? भाई देखो ये सीन, यहाँ पे ना क्रिमिनल गाड़ी दिन दहाड़े चोरी करके भाग जाते यार, अपन को भी एक रास्ता सूझा है, लाइफ गार्ड वाला ये गाड़ी नहीं चुराएगी क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है, लोगों को लॉस सेंटोस में कोरोना बहुत ज्यादा हुआ है, वो गाड़ी वाले जो लोग है वो बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो वैसे में हमें भी ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सेफ्टी का, तो ये गाड़ी अपन लोग नहीं चुराने वाले हैं। और आप लोग भी मास्क पहन के ही बाहर निकले, अब यहाँ पे लॉस सेंटोस में ना अभी देखो यार आ जाओ, गाड़ी चुराना होगा हमें क्योंकि माइकल के घर जाना है, और माइकल के घर जाने के बाद अब उन लोग अपना लिमोजिन लेने जाएंगे, और लिमोजिन की प्राइस कितनी है पता है तुम्हें? $10 मिलियन भाई साहब, करोड़पति आदमी बन गए, मतलब बन जाऊंगा अगर मेरे पास लिमोजिन आ जाती है, मतलब डीजे आलोक के बाद लिमोजिन आ जाती है। अरे एक मिनट को, ट्रैफिक के सिग्नल का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपना मैप ओपन करना होगा। माइकल तेरा घर किधर है रे बाबा? इधर इधर ही था ना इसका घर, इधर की साइड ही है। आ जाओ गाइस इधर अपन को जाना है। और देखो आलोक की जो ड्राइविंग है ना उसके ऊपर कभी संदेह मत करना क्योंकि आलोक की ड्राइविंग मतलब एकदम बाप लेवल ड्राइविंग, ऐसी ड्राइविंग जो पूरे लॉस सैंटोस में कोई नहीं करता वैसी ड्राइविंग अपना आलोक करता है, बट क्रिमिनल कई बार आलोक को पीट भी देते हैं, वो मैंने नहीं दिखाया तुम्हें, बट आलोक को एक बार बहुत क्रिमिनलों ने पीटा था। इधर से इधर जाएगी, अरे 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 कैमरा एंगल थोड़ा गलत हो गया, इधर से इधर की साइड जाना है, एकदम ट्रैफिक सिग्नलों का पालन करेंगे। एक मिनट रुको यार, यहाँ पे लाल अरे रेड रेड हो रहा है, एक मिनट रुको इधर रुकना पड़ेगा हमें। अरे तो जेब्रा क्रॉसिंग है क्या? क्रॉसिंग सॉरी जेब्रा क्रॉसिंग, ओके नहीं अभी तो सिग्नल नहीं है, वो तभी दिख रहा था। ओके आ जाओ, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल है, अरे चलाओ गाड़ी चलाओ, ग्रीन सिग्नल है, चला चला चला, अरे 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 बाबा रे बाबा रे बाबा बाबा, ओके चला, अरे रे 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 ठोक दिया, अरे लाल सिग्नल है, तुम लोग रुको मैं अभी आया, ओके थोड़ा जल्दी में हूँ मैं। ओके अपनी ड्राइविंग देख के औरतें बोली ओ माय गॉड ये लड़के से करेगी अपन शादी। अरे नहीं 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 नहीं, अरे सॉरी सॉरी बाबू सॉरी 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 सॉरी, ड्राइविंग के ₹50 काटने हो गए, ओवर एक्टिंग से ज़्यादा तो ड्राइविंग खराब कर रहे हैं अपन लोग। एक मिनट रुको इधर से, अब गाइस देखो सीरियसली ड्राइविंग करने वाले, एक भी बार गाड़ी को ठोकने वाले नहीं अपन। ओके इधर से ऐसा टर्न मारेंगे, इधर से ऊपर की साइड जाएंगे, तो माइकल तेरा घर किधर है? माइकल आ गया क्या? माइकल का घर, ओके माइकल का घर किधर? इधर ही कहीं पे, ये रहा माइकल का घर है ना, डीजे आलोक कई बार माइकल का घर भूल जाता है। अरे सेंसर भाई ये ओपन क्यों नहीं हो रहा इसका घर? अरे रे ऐसा कैसा हो सकता है रे, माइकल को कोई अपने घर में क्यों नहीं घुसने देता बे? एक मिनट रुको गाड़ी को इधर ही पार्क कर देते हैं, ओ सॉरी माइकल अपने घर में किसी को घुसने क्यों नहीं देता? डीजे आलोक की इज्जत बिज्जत है कि नहीं मार्केट में? एक मिनट रुको यार छोड़ो, अपन को ना इधर से कोई रास्ता निकालना होगा घर के अंदर जाने का, क्योंकि माइकल अगर साथ में आएगा ना तभी जाके अपन को अपनी लिमोजिन मिल सकती है, और अगर लिमोजिन मिल गई तो अपन लोग लॉस सैंटोस है ना, लॉस सैंटोस यहाँ पे इस एरिया के सबसे रईस आदमी में से एक आदमी बन जाएगा, और इस वजह से ही मैं कर रहा हूँ। वो अच्छा माइकल वहाँ पे क्या कर रहा है? दिख रहा है तुम्हें माइकल? दिख रहा है माइकल? ये क्या कर रहा है तू माइकल? माइकल माइकल माइकल, ओ अच्छा पुशअप मार रहा है। ओ तो ये रहा गाइस हमारा दोस्त माइकल, मिलिए माइकल से, ये इंसान जो हमारी लिमोजिन लाने में हम हेल्प करने वाला है, तो माइकल को अपन लोग हेलो बोलेंगे, और इसी के साथ माइकल को अपन लोग लेके जाने वाले अपनी गाड़ी में लिमोजिन लेने के लिए। अब ये पुशअप कर रहा है, थोड़ा शांति रखेंगे और थोड़ा वीडियो अपन भी कट करेंगे ताकि इसका पुशअप कंप्लीट हो जाए, उसके बाद लेके जाएंगे, वरना शुद्ध गालियां देता है, हिंदी में गालियां देता है इंसान। तो भाई लोग यहाँ पे हमने माइकल से सब कुछ बातें कर ली है, माइकल को मैंने बोल दिया है कि देख माइकल ऐसा है कि अपना लिमोजिन तूने मेरे को जो दिया था मेरे को बेचा था वो लिमोजिन किसने चोरी कर लिया है। अब माइकल बोल रहा है ऐसे कैसे किसने चोरी कर लिया? मैं बोला वही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि लोग कैसे हमारा गाड़ी चुरा सकते लिमोजिन। तो माइकल ने बोला है कि मैं तुम्हारी हेल्प करेगा अज्जू भाई, मतलब डीजे आलोक में तुम्हारी हेल्प करेगा, अब मतलब जाएगी अपना लिमोजिन वापस आएगी और तुम फिर तुम्हारे रास्ते हम हमारे रास्ते में, बोला भी सही है। तो यहाँ पे हमारी डील हो चुकी है, एक छोटी सी डील है बट उसे कंप्लीट करना होगा, और हमें अभी चाहिए एक गाड़ी, एक टू व्हीलर। तो क्या माइकल के पास वो टू व्हीलर होगा जो हमें चाहिए? क्योंकि ये वाली गाड़ी बहुत धीरे चलती है और मैं नहीं चलाना चाहता इस गाड़ी को।
माइकल सच सच बता दे मेरे भाई, तेरे पास है तो सही ना गाड़ी यार, एक टू व्हीलर की बात है माइकल, एक टू व्हीलर दे दे भाई, एक दिन के लिए दे दे यार, जैसे ही मेरे को लेमोजिन मिलेगा तेरे को आधा पैसा देगा बेच के, ओके तू आ जा फटाफट, तेरी टू व्हीलर दिखा रहे, किधर है तेरा टू व्हीलर यार, तेरे पास मेरे को पता एक सिल्वर रंग का टू व्हीलर था, ओ अच्छा ये रहा, चिमकांडी छिपा के रखता है ये, वैसे ना ये टू व्हीलर इसके बेटे का है, माइकल के बेटे का टू व्हीलर है, मतलब ये माइकल का खुद का टू व्हीलर नहीं है, इसका बच्चा जो है ना ये टू व्हीलर चलाता है, अपन ने बोला तेरा टू व्हीलर चाहिए, अरे गेट तो खोल दे, ओ चाचा, ओ माइकल चाचा गेट तो ओपन करो यार, माइकल क्या इंसान है यार, क्या पूरा लोकअप भाई है, इतना ज्यादा क्या यार, रुको गाइस अभी हमें बाहर निकलना होगा, क्या माइकल अपने सेंसर को तोड़ेगा यार, माइकल भाई प्लीज यार सेंसर का कुछ करना यार। तो भाई लोग थोड़ी मारा मारी के बाद माइकल ने बात मान ली है, माइकल ने बोला है कि अपन लोग साथ में जाएंगे तो मैं अपन गेट भी दरवाजा भी ओपन करके देगा, बट गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, डीजे आलोक ने बोला कोई नहीं भाई तू चला ले गाड़ी, बट तू मेरे को मेरी लेमोजिन दिला, तो यहाँ पे डील हो चुकी है माइकल के साथ, तो हम लोग जाने वाले डीजे आलोक के साथ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे अपन को अपना लेमोजिन मिलने वाला है, तो जगह किधर है रे, पहले मैप के अंदर देखने दो भाई, हमारी गाड़ी जो चुराई है ना हमने कैमरे के अंदर सब रिकॉर्डिंग देखा है, ये गाड़ी हमारा जो कोई चुरा के गया है ना वो इधर की साइड किधर लेके आया है, ओके इधर की साइड जाना है अपन को आज, तो यहाँ पे एक नीचे की साइड एक रास्ता है, वहां पे अंडरग्राउंड पार्किंग के अंदर किसी ने हमारा लिमोजिन चुरा के रखा हुआ है, किसी ने मतलब वो क्रिमिनल कपड़े के अंदर जो लोग आए थे ना वही, अब अरे 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 भाई 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 डीजे आलोक भाई, क्या यार डीजे आलोक नहीं अपना है, माइकल ना गाड़ी बहुत वाहियात चलाता है कभी कभी, अरे 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 यार साइड साइड करो गाड़ी साइड करो अपनी, देखो ये वाली गाड़ी कैसी लगी तुम मेरे को ये बताओ, ये वाली बाइक तुम्हें कैसी लग रही है, मेरे को तो एकदम ओपी लग रही है, देखो क्या सीन है, देखो मस्त बाइक यार, एकदम जलसा है इस बाइक के अंदर, अरे साइड साइड दो साइड दो साइड दो भाई 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 भाई, देख रहे हो इससे बढ़िया क्या हो सकता है, एक मिनट अपन को इधर से रास्ता है इधर जाना है, अब इधर से इधर की साइड निकलना है, ओके इधर नीचे की साइड ही चलना है ना, हाँ नीचे की साइड ही चलना है, अब वो ना अपन को पार्किंग मिल गया तो अपना अपना जो लेमो तो वो अपन को अपना पार्किंग मिल गया तो अपन को अपने आप अपना लेमोजिन मिल जाएगा, तो अब लेमोजिन मिल जाएगा तो $10 मिलियन मिलेगा, अगर $10 मिलियन मिलेगा तो अपन बन जाएंगे करोड़पति, अब $10 मिलियन के अंदर $5 मिलियन तो हमें इसको देना है, इसका नाम क्या है अपना, क्या चिमकांडी तेरा नाम क्या है, माइकल ना, हाँ माइकल को देना है, बिकॉज माइकल जो है उससे हमने एक डील करी है कि भाई अगर तूने चीजें दिलवा दी तो अपन तेरे को 50% पैसा देगा, तो माइकल बोला ओके तब तो मैं आएगा, तो माइकल एक नंबर का गुंडा आदमी है, मेन चीज वही है, ओके इधर से नीचे उतरने का है, आ चुके हम लोग अपनी बाइक लेके, क्या स्टंट मारा है देख रहे हो, ये है अपना माइकल, अब बोलो माइकल ओपी बोलते कि नहीं बोलते, अरे 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 इधर ही है क्या, अंडरग्राउंड पार्किंग किधर गया, कल तक तो इधर ही था, ओके इधर नहीं है, क्या अंडरग्राउंड पार्किंग ढूंढना होगा क्योंकि वहां पे ये अपना गाड़ी है, भैया गाड़ी चलाओ रे माइकल भाई, देखो अगर अपन को अपना लिमोजिन नहीं मिला तो तुमको रास्ते में इधर नीचे उतार के पेल देगा, माइकल ने हेलमेट पहन लिया, देखा मतलब डर जाता है इंसान कि अगर वो मेरे को मारे, वो अच्छा मिल गया अपन को अपना पार्किंग, इधर ही क्रिमिनल लोग लेके आए थे अपना लिमोजिन, आजा डीजे आलोक आजा तेरा लिमोजिन ले ले फिर मेरे को अपना देख, अपन को अपना कट चाहिए, ओके अपन को अपना कट मांगता है, ले हेलमेट नीचे फेंक दिया अपन ने, अभी मेरे को अपना 50% पैसा $5 मिलियन चाहिए, अगर $8 मिलियन का बिस्ता है तो $4 मिलियन मतलब $4 मिलियन तू मेरे को देगा, ओके 50-50 कट की बात हुई, $1 भी काटा है तो तेरे को इधर ही मार देगा, ओके आजा, तो हम लोग गाइस माइकल के साथ जाते हैं अभी, अरे यार आलोक चाचा आओ ना फटाफट चलो ना यार, तुमको तुम्हारी लिमोजिन नहीं चाहिए, आ गए अपन लोग, इधर ही होगी लिमोजिन, कहीं पे लोग छिपे हुए तो नहीं है ना भाई, कोने में आ जा भाई, तू तो मरवाएगा, अरे चिमकांडी इधर आओ इधर आओ इधर आओ, नहीं 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 रास्ता एकदम क्लियर है, रास्ता क्लियर है, क्या अपन को उनको मारना चाहिए भाई लोग, मेरे को वो लोग गुंडे लोग लग रहे हैं, ये लड़की भाई ये लोग मेरे को लगते हैं गुंडे लोग, ये पार्टी बार्टी सब इन लोगों का चालू है, वो ये लो वो नो 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 आगे आगे ये लोग आगे, वो नो नो डीजे आलोक फुल टू कवर डीजे आलोक फुल टू कवर, डीजे आलोक चल बसा क्या, अरे डीजे आलोक चचा चल बसे क्या, नहीं डीजे आलोक बचा हुआ है, नो 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 डीजे आलोक तेरे को मरना नहीं है, वो कुछ फकर वकर बोला वो डीजे आलोक जान जाए पर, अरे यार क्या यार किधर है लोग, चिमकांडी ये ले ओपी ओपी, अरे 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 मरता क्यों नहीं, ओके गया सब खत्म है, अपना आलोक चाचा किधर है, आलोक चाचा जिंदा तो हो ना, आई थिंक हमारा जो आलोक है वो मर चुका है, आलोक भाई तुम जिंदा हो कि गए यार, अब कोई है तो नहीं ना इधर,
यहाँ पे डेंजर फाइट ले लिया है। अरे आलोक तो जिंदा है रे, मरने का एक्टिंग करता है चिमकांडी, मेरे को लगा तू चल बसा। ऐसे नहीं डराने का भाई, ये क्या है तेरे पास गन वगैरह? ओके, और भी लड़की है इधर चिल्ला रही है अपना लेमोजिन। अरे सामने रहा लेमोजिन, देखो इधर रहा लेमोजिन। अरे बाप रे, कोई और तो नहीं इधर? जान को खतरा है मेरी, मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है, और तो कोई नहीं है ना इधर? साउंड आ रहा है वो, अच्छा अच्छा इस तो इधर इधर लेडी है। आलोक देख वहां पे एक फटाकड़ी है, देख रहा है तू? ये फटाकड़ी है, अपन को अंदर जाके उसको मिलके आने का है। ओके आजा आजा आजा, पीछे पीछे आना, कुछ करना मत। ओके आलोक कुछ मत करना उसको, वो फटाकड़ी है, फटाकड़ी वो तेरी भाभी है रे आलोक। ओके क्या बोली रे चिमकांडी? बाप रे भाई साहब, अब डीजे आलोक देखता जा तू भी, मैं भी शादी करेगा। माइकल ने भी बोल दिया भाई लोग ये शादी करेगा। भाई साहब मेरे को लगता है गुंडे के लिए काम कर रही है, उसको उड़ा देते हैं। ओ सॉरी बाबू सॉरी भाई, देख डीजे आलोक को गुंडे के लिए काम करती हो सकती है इसलिए मैंने मार दिया, बुरा मत मानना। क्या पता आजकल कौन, अरे कौन रो रहा है? अभी भी कोई लड़की है इधर, और भी फटाकड़ी लोगे क्या इधर? वो अच्छा ये क्या कर रही है इधर? ओके ये भी गई। वो अच्छा इधर 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 कोई 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 कोई, मेरे को लग रहा है कोई लग रहा है, कोई लग रहा है, कोई लग रहा है। तू साइड रे माइकल, कुछ करना बस, साइड रे साइड रे। ये ले दरवाजा उड़ाना होगा, दरवाजा उड़ाना होगा, दरवाजा उड़ाना होगा, साइड हो जा साइड हो जा। ओके दरवाजा टूट चुका है, दया नहीं इधर है, दरवाजा तोड़ने के लिए कोई दया बया नहीं, अपन को ही तोड़ना होगा। आ जा अंदर आ जा अंदर आ जा, कोई है तो नहीं ना? ओ ये लोग क्या कर रहे थे इधर? कमर में पैसा देख रहे हो? ये कौन है? एक गुंडे? ओ भाई इसके पास पैसा भी है इधर। आलोक ये तू किधर से खंडेर किधर से ढूंढा रही है? गोल्ड भी है उधर। बाप रे ये लड़की तो एकदम भाई फटाकड़ी थी रे। आलोक आलोक ये जगह बहुत बढ़िया है रे, तू किधर लेके मेरे को आया? इसके पास पैसा देख पूरा बैग भर के, इधर भी पैसा इधर भी पैसा इधर लड़की। अरे 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 मार दी, अरे 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 इसको भी मार देता हूँ। ये ले जिंदा ना बचे कोई भाई आज, आज आलोक बाहर आ बाहर आ, फटाफट मेरे को जाने दे फटाफट। चलो बाबू अपना लिमोजिन लो, निकल देते हैं। गुंडे लोग अभी आ जाएंगे ना क्रिमिनल कपड़े के अंदर, तो हालत खराब कर देंगे। आसपास देख ले कहीं पे कैमरा तो नहीं है ना? आई थिंक कैमरा नहीं है भाई लोग, अपन को फटाफट निकलना होगा। आई थिंक हमारे पीछे 12 मुल्कों की पुलिस भी लग चुकी है, टाइम हो चुका है, हमें हमारी लिमोजिन मिल चुकी है, अभी इधर से भागने का। चलो अरे 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 गेट गेट क्यों नहीं टूटता रे? बाहर निकालो रे मेरे को, गेट टूट गया गेट टूट गया। ये रे रे दूसरा कोई रास्ता है क्या? अरे बाप रे बाहर कैसे निकलेंगे लिमोजिन के साथ? मानो या ना मानो ये सिक्योरिटी बहुत टाइट है, अगर हमने गाड़ी इधर से निकाल भी ली ना मेरे को नहीं लगता हमें पुलिस भी छोड़ेगी या तो बाहर से कोई छोड़ेगा। अभी फटाफट निकलने का टाइम हो चुका है भाई लोग, यहाँ से गाड़ी किसी भी तरह हमें निकालनी होगी। पुलिस भी पीछे होगी, क्रिमिनल लोग भी पीछे होंगे। अरे हमने यहाँ पे अपनी बाइक छोड़ दी है, छोड़ दो चलो बाइक को, बाइक के पीछे नंबर प्लेट वगैरह चलो कोई नहीं आने दो। बाइक मैंने यहाँ पे छोड़ दिए, फुल टू रिक्स है, बट अपन को अपनी लेमोजिन मिल गई, वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो आ जाओ अपन लोग लेमोजिन लेके निकलते हैं अपनी घर की ओर, और पुलिस वगैरह अपने पीछे नहीं है, सबसे बढ़िया बात यह है। ओके गाड़ी इधर से ले लेते हैं, इधर की साइड से कहीं पे लेके जाएगी अपन ऊपर की साइड पे। ओके इधर से कहीं ना कहीं पे तो रास्ता निकलेगा ही निकलेगा। तो हमें हमारी लेमोजिन मिल चुकी है गाइस, ये डोनाल्ड ट्रंप वाली लेमोजिन है, तुम्हें पता नहीं तो मैं बता दूं, ये प्रेसिडेंट की लेमोजिन है जो हमने चुराई है। ओके इधर पानी पानी है। ओके यहाँ से निकलना मुश्किल है, पीछे 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 पीछे। माइकल ड्राइविंग थोड़ा सही करो यार। ओके आ गए अपन लोग, इधर से ऊपर की साइड कहीं पे जा सकते हैं, हाँ ऊपर की साइड इधर से निकल सकते हैं। आ जाओ, अरे 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 पानी के अंदर चला गया थोड़ा सा, कोई ना ये बन गई बात, हमने ऊपर चढ़ा दिए लेमोजिन को और ये इधर से ले ली लेमोजिन। ओके रास्ते पे आ चुके हैं, अभी अपन को ना मैप के अंदर एक मार्क कर देना है और घर के साइड निकल जाना है। इधर है अपना घर, इधर मेरे को ना सीधा भाई लोग इधर अपने घर जाना है, पार्किंग के अंदर गाड़ी रख देनी है, एंड उसके बाद तुरंत ही जैसे ही मेरे को कोई ग्राहक मिलता है, कोई ये गाड़ी लेने के लिए बोलता है, कार किसी को चाहिए लिमोजिन में तुरंत ही बेच देगा मेरे को। देखो मेरा मानना ऐसा है कि अगर मेरे को कोई $8 million देता है, $8 million या $7 million भी देगा, $7 million मैं बेच देगा मेरे को कोई। ओ नो 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 भाई बच गए। तो भाई लोग अपन लोग सक्सेसफुली आ चुके हैं एक ब्रिज के ऊपर, और ब्रिज के ऊपर आने के बाद अभी मेरे को लगता है अपन लोग रास्ता अपना पकड़ सकते हैं। अरे साइड करो रे, अरे अरे कहीं पे ठोकना नहीं है बस यार लिमोजिन को, सही सलामत घर पे पहुंचा देते हैं ताकि इसकी कीमत अच्छी मिल सके, इसको खरीदने वाला कोई मिल सके, इसको कोई भी खरीदेगा मैं ऐसे ही बेच देगा। ये ले जा तू लेके जा, मेरे को नहीं मंगता है।
क्योंकि अगर एक घर पे पड़ी रहेगी ना ये लिमोजिन, अगर अपन घर पे रखेंगे तो तुम्हें पता है क्या सीन होगा। ये प्रेसिडेंट की गाड़ी है तो वैसे भी पुलिस वाले सब लोग ढूंढ ही रहे होंगे इसको, और अगर उन लोगों को ये बाइक, बाइक क्या यार, ये कार मिल गई ना तो सीन होने ही वाला है। तो इससे अच्छा ये चीज़ है कि अपन लोग इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बेच दे, और दो तीन बार तो मैंने ठोक भी दिए तो रिपेयर भी करवाएगी। बट उससे पहले इधर लॉस सैंटोस का कस्टम इधर आसपास है क्या रास्ते में, देखने दो मैप ओपन कर ही लेते हैं। और रास्ते में अगर लॉस सैंटोस का कोई कस्टम मिलता है अपन लोग तो सबसे पहले वहां पर जाएगी अपन इसको रिपेयर करवाएगी एंड उसके बाद सब चीज़ें कर दे। ओके एक मिनट रुको, इधर है अपना लॉस सैंटोस कस्टम, यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए। ओके किधर है भाई, ये किधर है? ओके एक ऊपर की साइड है, ये वाला नहीं जाना, ये वाला भी नहीं जाना, ये वाला भी नहीं जाना, ये वाला जाते हैं। चलो यहाँ पे जाते हैं गाइस, पहले अपन लोग लॉस सैंटोस के कस्टम में जाते अपनी जो गाड़ी है उसको रिपेयर करवा लेते हैं, इसकी कार, सॉरी गाड़ी नहीं, कार को रिपेयर करवा लेते हैं, लिमोजिन को रिपेयर करवा लेते हैं। ये रास्ता है अपना, ओके आ जाओ भाई। जो भी बोलो, माइकल ने काफ़ी हेल्प की है, माइकल ने हमारी लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्प की है लिमोजिन वापस लाने में, और वैसे में माइकल की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, वैसे भी अभी ना मैं रिपेयर करवाने के लिए गैरेज ही लेके जा रहा हूँ, तो कोई इशू नहीं है, एक दो बार और गाड़ी ठोक दूँ तो मेरे को कोई इशू नहीं होगा। साइड हटो भाई, साइड हटो, साइड हटो, साइड हटो, तुम्हारी गाड़ी साइड रखो भाई। एक तो ना गाड़ी, ये जो कार है ना बहुत लंबी है तो दिक्कत ये होती है चलाने में कि बहुत दिक्कतें आती है। चलो कोई ना, इधर से इधर जाना है, इधर से इधर ले लेते हैं। और आ चुके अपन लोग यहाँ पे लेमोजिन को लेके अपने गैरेज पे, इधर रहा अपना गैरेज। एक मिनट रुकना भाई लोग यार, गैरेज पे थोड़ा ना इधर की साइड से लेके जाना होगा। ओके ये रहा गैरेज, देख लो, एक मिनट रुको मैं दिखाता हूँ। पहले अपन लोगों को सही सलामत इसको अंदर रखना होगा। ये कर दिया, ये कर दिया, देखो अब यहाँ पे ऐसे रख दिया। ओके आ गया अपन लोग। ओ ये लोग बोल रहे कि आपकी जो कार है उसको अपन लोग रिपेयर नहीं कर सकते बिकॉज आपने जो ये कार चुराई हुई है वो पुलिस इसके पीछे ऑलरेडी लगी हुई है, तो इसके लिए ये लोग हमें ये बाइक की कार जो है उसको रिपेयर नहीं करेगी, ऐसा इन लोगों का कहना है गैरेज के अंदर, क्योंकि ये जो कार इसके पीछे ऑलरेडी पुलिस लगी हुई है तो जाहिर सी बात है वो लोग सच में रिपेयर नहीं करना चाहेंगे। अब इसके लिए ना अपन को कोई दूसरी कार चुरानी होगी, बट अपन अभी कार नहीं चुराने वाला है, सीधा फटाफट अपन लोग जाते गैरेज, अपने गैरेज के अंदर ये बाइक को कार को रख देते हैं वरना सीन हो जाएगा, क्योंकि गैरेज वाले ने मना कर दिया। गैरेज वाले तक को पता है कि ये जो कार है वो चुराई हुई है, लिमोजिन ने चुराया हुआ है, अगर उसको पता लग सकता है तो भाई ये खबर बहुत बड़ी हो चुकी है, लॉस सैंटोस में पानी की तरह फैल चुकी है कि लिमोजिन जो डोनाल्ड ट्रंप की है वो चोरी हो चुकी है। हालांकि जब मैंने लिमोजिन चुराया था तब डोनाल्ड ट्रंप सच में प्रेसिडेंट थे, और जब भी मैं अभी एपिसोड बना रहा हूँ तब अभी डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं रहे अभी। ओके तो ये तो चलता रहता है, बट अभी इधर से अपन को जाना है गाड़ी को लेके, गाड़ी क्या यार कार, सॉरी मैं लिमोजिन नहीं बोलवा था, मैं गाड़ी बोल देता हूँ, चलो कोई ना चलता है इतना तो। ये रहा अपना रास्ता, क्या पता अपन लोग जा रहे हो रास्ते में पुलिस ने चारों साइड से घेर लिया और बोला कि ले गाड़ी दे रहे। वो ये क्या है, ये क्या चल रहा है इधर भाई साहब? जो भी हो कोई लटका हुआ था वहां पे उसको छोड़ो, अपन को फटाफट से इसको छिपाना होगा। और वैसे भी ना लिमोजिन इतनी जल्दी भागती भी नहीं, इतना जल्दी वो स्पीड भी नहीं पकड़ती है, तो इस वजह से कई बार दिक्कत होता है। 120 की स्पीड से चल रही है और ज़्यादातर बढ़ी रही है, 135 136 तक चली गई है, बट क्या ही कर सकते हैं भाई। फटाफट 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 रास्ता दो, रास्ता दो यार, आने वाला है अपन का घर। ओके 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 ओके, वो गैरेज वाला बस पुलिस को ना कॉल करके बताना दे वरना सीन हो जाएगा। अगर उस गैरेज पे किसी को, गैरेज वाले ने किसी को बता दिया ना तो सच में सीन हो जाएगा। अरे भाई रास्ता दे रहे फटाफट, हमको इधर से जाने दे। ओके तो अपन लोग आ चुके हैं अपने घर के पास। ओ माय गॉड, क्रिमिनल की फौज। ओ नो 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 नो, भाई साहब इन लोगों को कैसे पता लगा अपन इधर आए? भाई मैंने बोला था हम लोग एक गलती कर रहे हैं, और वो गलती तुम लोगों को पता भी है, हमने वहां पे बाइक छोड़ दी थी, तो ये लोग ने पता लगा लिया होगा बाइक के नंबर से। अरे यार मैं कितना गधा हूँ यार, अब क्या करें बताओ, मतलब लिटरली बहुत गंदा सीन होने वाला है अगर मैं जैसे ही नीचे उतरूंगा उनको पता लगा कि जिससे हमने कार चुराई थी, लिमोजिन जिससे चुराई थी, वहीं लोगों ने वापस लिमोजिन को ले ली है, तो भाई साहब चुरा लिया है हमने लिमोजिन, इनको पता लगेगा तो सीन होने वाला है। बट हमें बाहर तो निकलना ही होगा,
देखते हैं भाई, देखो मैं कुछ नहीं जानता, अब जो भी होगा देखा जाएगा, बाहर निकलते हैं और क्या। मेरे पास एक रास्ता है, अपन लोग ना इधर से निकल ही लेते हैं, अपन को यहाँ पे लिमोजिन लेके आना ही नहीं है। मेरे को लगता है अपन लोग जाते हैं डायरेक्ट उसके घर, फ्रैंकलिन के घर, फ्रैंकलिन के घर इसको छोड़ के आते हैं। बट फ्रैंकलिन के घर पे जाएंगे ना तो एक सीन होगा वो, और वो गलत होगा। अगर उसकी वाइफ को पता लगेगा तो दिक्कत होगी, बिकॉज ना फ्रैंकलिन ने उसकी वाइफ को ये बोला हुआ है कि मैंने अभी क्रिमिनल जो काम आते हैं, फाइट वाइट वगैरह जो क्राइम वाले काम आते हैं वो छोड़ दिए है, तो वैसे मैं उसके घर नहीं जा सकता। और मेरे को, मुझे जहाँ तक लगता है, मेरे को अपने घर ही लेके, मतलब आलोक को अपने घर ही लेके इसको जाना होगा, बिकॉज सीन हो जाएगा जो भी हो। चलो देखते क्या होता है, वापस से मुड़ जाते यहाँ से और जाते हैं डीजे आलोक के घर। चल आ जाओ भाई लोग, जो भी होगा देखा जाएगा। देखो हमें लेके तो जाना ही होगा, मेन चीज़ वो है कि हमें अभी जाना तो होगा ही होगा। अरे अरे रास्ता दो रे भाई, ये ना एक तो लंबी बहुत है, और जो भी होगा देखा जाएगा। ओ नो 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 नो, ये लोगों ने फायरिंग स्टार्ट कर दिया है। बहुत गंदा फायर हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही गंदा मार रहे हैं लोग। नो 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 नो, हमें कुछ करना होगा। एक मिनट, हमें ही मारना होगा। एक गया, एक को मारा। देख रहे हो, एक मिनट रुको। आई थिंक हमारी ये जो लिमोजिन है ना, वो प्रूफ है, फायर प्रूफ है। एक मिनट रुको, मेरे को नीचे उतरने दो, मैं नीचे। अरे नो 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 नो, हमें मारना ही होगा इन लोगों को। ओके वो नो 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 नो, ओके 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 भाई साहब। अरे 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 भाई 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 भाई, अरे एक मिनट, ऐसे कैसे। अरे मरने के बाद भी ये लोग मार रहे इतना ज़्यादा। एक मिनट, सभी देखने दो, हमारे पीछे पुलिस लग चुकी है। बहुत गंदी पुलिस लगी है भाई, हमारी लिमोजिन खतरे में है। फटाफट आलोक, आराम से, कोई भी गलती नहीं चाहिए। अरे रे 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 रे, ओके ओ भाई भाई, सीन हो चुका है। लिमोजिन चुराने वाला ना प्लान ही बहुत घटिया था, और MP40 हमारे पास है, जितना मार सकते हैं मार लेते हैं। अरे अरे ऐसे कैसे, ये ले आपको, ये क्या पुलिस। ओके आलोक, तू भी कुछ करेगा या नहीं करेगा, तू तो मेरे ऊपर ही पूरे भरोसे ही बैठा हुआ है यार। आई थिंक हमें निकलना होगा, आई थिंक। अरे पुलिस ने, अरे यार एक मिनट, आ जा, बैठ, लिमोजिन में बैठ फटाफट से। ओ आलोक, आ जा भाई, फटाफट अंदर आ। हमें निकलना होगा जितना जल्दी यहाँ से निकल सकते हैं, इन लोगों को छोड़, क्रिमिनल को। मैं वरना ना इसका मार्क्स निकाल के देखने वाले था कि कौन कौन सी गैंग है जिसने हमारे ऊपर हमला किया इतना तगड़ा। बाय द वे भाई लोग, इसी के साथ हम लोग यहाँ पे अपना एपिसोड वाला जो एपिसोड इसको ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आने वाले समय में एक नए एपिसोड के साथ, उसके अंदर हमें ये पता लगेगा कि क्रिमिनल लोग कौन थे, और लिमोजिन हम किस तरीके से बचाते हैं, या लिमोजिन बचती भी है या नहीं बचती है, सब चीज़ों के बारे में पता लगेगा। बट तब तक आप लोगों को आने वाले एपिसोड का वेट करना होगा। बट चलो यार, तब तक के लिए मैं बाय बाय, और सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा देना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलो बाय बाय, छोड़ो यार, अब इन लोगों से लड़ाई करनी होगी, वो नेक्स्ट एपिसोड में दिखाऊंगा, क्योंकि एपिसोड वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है।